इतना मारा सर, मारते 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 15-16 लोग जितने थे सबने लाठी डंडों बेल्टों से इतना पीटा, जब मैं गिर गया बेहोश हो गया। महोबा में लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी का विरोध करना भाजपा नेता को महंगा पड़ गया है। सपा की जीत से उत्साहित सपा समर्थक दबंगों ने बीजेपी के शक्ति केंद्र संयोजक पर प्राण घातक हमला किया है। सशस्त्र दबंगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर भाजपा नेता को लहूलुहान कर दिया है, जिसके इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा नेता पर जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। इस मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों सहित अज्ञात हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल पूरा मामला जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुनाटा गांव का है। बताया जाता है कि भाजपा के शक्ति केंद्र संयोजक मैया दीन राजपूत को घेर कर सपा समर्थक दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया है। इस वारदात के पीछे की वजह है लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी का समर्थन न करना बताया जा रहा है। घायल बीजेपी नेता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी अजेंद्र सिंह लोधी का वह विरोध कर रहा था, जिस पर उक्त हमलावर द्वारा सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने का दबाव बनाया गया, जिससे इनकार करने पर सभी दबंग रंजिश मान रहे थे और इस लोकसभा चुनाव में सपा की जीत होने के बाद उक्त दबंगों ने बदले की नीयत से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मैं सर शक्ति केंद्र संयोजक हूँ, महुआ केंद्र महुआ। किस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। सर क्या घटना हुई आपके साथ? क्या था, मेरा एक कजन भाई भी था साथ में, तो गांव के कुछ 2-3 लोग गांव के थे, 10-12 लोग बाहर के लोग थे, मिल करके जैसे गाड़ी उसके ब्रेकर पे मोटरसाइकिल मद्दी हुई, उन लोगों ने चाबी निकाल ली और मेरे से बोले तुम बहुत बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का, जान से मार डाले यार। इतना मारा सर, मारते 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 15-16 लोग जितने थे सबने लाठी डंडों बेल्टों से इतना पीटा, जब मैं गिर गया बेहोश हो गया तब वो भागे सर वहाँ से। इसके बाद भागने के बाद मैं 100 नंबर को कॉल किया, तो 100 नंबर वाला जो पुलिस वाला था उसने भी हमारे साथ बदतमीजी की, वो भी बदतमीजी से पेश आया, गाली गलौज कर रहा था। मारपीट सर इसी बस राजनीतिक दुर्व्यवहार के कारण हुई कि वो सपा के पदाधिकारी वो सपा में काम करते हैं, मैं भाजपा में काम करता हूँ सर और भाजपा का पदाधिकारी हूँ, भाजपा के लिए काम करता है और इसी वजह से मारपीट हुई। मेरी कोई पुरानी रंजित नहीं है ना कोई कुछ है, और वो गुंडा लोग हैं, वो विकास पुत्र बालिंद, हलकुट्टा पुत्र मान सिंह खंगार, भूरेंद्र पुत्र राकेश यादव और बाकी 10-11 लोग अज्ञात थे। चुनाव के समय कोई विवाद हुआ? मेरा कोई विवाद नहीं हुआ सर, मैं तो सीधा सुबह अपनी बाइक उठाता था, अपने कार्यालय निकल जाता था पनवाड़ी कार्यालय से क्षेत्र में, जिस गांव में मुझे मिलता था कि चुनाव प्रचार करने के लिए जाना जा ड्यूटी लगती थी, उस गांव में जाता था, शाम को फिर चला आता था। मेरी काम बता रहे कि उस दिन क्या था वो मामला? जिस दिन काउंटिंग हुई, काउंटिंग होने के बाद जब हमने देखा कि पुष्पेंद्र चंदेल जी हार चुके हैं, तो मैं उस दिन तो निकला ही नहीं घर से, सुबह जैसे ही निकला तो इनके पिताजी हैं जो विकास के, वो कह रहे थे कि हमारा सांसद जीत गया, अब देखते भाजपा के कितने गुंडे हैं, बोले सबको एक एक करके ठीक कर रहे। इस तरीके से 5 तारीख को बात हुई और कल 8 तारीख को मेरे साथ घटना हुई, उन्हीं के लड़के के द्वारा करवाई गई। क्या चाहते हैं? मैं तो सर ये चाहता हूँ कि ये क्रिमिनल लोग हैं, हर किसी के साथ मारपीट करते हैं आए दिन, एक किसी न किसी के साथ, और बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, इनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं, भौकंड थाना से, परवाड़ी थाना से और महोबा से, बजरिया से। मैं चाहता हूं कि सर इनको ऐसी कार्रवाई हो इनके खिलाफ कि ताकि ये कभी और किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान ना करें। महोदय से इतना ही निवेदन है कि कम से कम इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें। एक व्यक्ति मैया दीन राजपूत निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकंड जनपद महोबा के साथ महुआ मठावे के पास कुछ व्यक्ति विकास राजपूत पुत्र बालेंद्र लोधी, भूपेंद्र पुत्र राकेश यादव, हलकुट्टा पुत्र मान सिंह व 15 लोग अज्ञात द्वारा मारपीट की गई है, जिस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना पनवाड़ी में मुकदमा अपराध संख्या 134/24 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।